So yesterday we have done with the exothermic reaction. Today we are going to start, my dear, with the endothermic reaction. The word. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. Acha ji. So today we are going to start with the endothermic reaction. Endo जो word है that is ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है जी एब्जॉर्ब करना और थर्मिक वर्ड का मतलब होता है हीट एनर्जी. सो इसकी डेफिनेशन इसके नाम से ही हम बना सकते हैं. द रिएक्शंस विच एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स दे आर कॉल्ड एज द एंडोथर्मिक रिएक्शंस. ठीक है जी. आप सपोज करें कि ये आपके पास एक वेसल है, एक बर्तन है, इसमें ये केमिकल्स पड़े हुए हैं, दीज आर द केमिकल्स. ठीक है जी. इनके अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है. याद रखो जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है. एब्जॉर्ब होके वो हीट कहाँ पे चली जाती है, वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है. ठीक है जी. तो हीट जो है वो चीज को गर्म रखती है. तो हीट जब एब्जॉर्ब होके केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी तो हीट खत्म हो जाएगी तो वो चीज ठंडी हो जाएगी और टेम्परेचर ड्रॉप कर जाएगा. ठीक है जी. सो द वेसल एंड द केमिकल्स बिकम कोल्ड आफ्टर एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड द टेम्परेचर ड्रॉप्स. और टेम्परेचर आपका जो है वो ड्रॉप कर जाता है. यू गॉट इट? यस. ले लें इसकी स्क्रीनशॉट. मैं आगे मूव कर रहा हूं जी. अच्छा जी, नेक्स्ट हम जा रहे हैं जी. जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर ड्रॉप होता है. तो ये इसका ग्राफ एक बना हुआ है, ये देखें, दिस इज द रूम टेम्परेचर. ठीक है जी. तो रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर ड्रॉप होगा. इधर ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर आपका ड्रॉप होगा. लेकिन कोई भी चीज जो है वो जब ठंडी होती है तो वो हमेशा ठंडी नहीं रहती, बल्कि दोबारा से रूम टेम्परेचर अटेन कर लेती है. ठीक है जी. रूम टेम्परेचर दोबारा से वो अटेन कर लेगी. ठीक है जी. So the temperature drop but again attains the room temperature. ठीक है जी. अच्छा जी, इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मैंने कल भी आपको बताई थी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स नीचे बनाते हैं और प्रोडक्ट्स आपके हाई एनर्जी लेवल पे होते हैं. ये देखें, रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल कम है, प्रोडक्ट्स का एनर्जी लेवल आपका ज्यादा है. और रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स के साथ ज्वाइन करने के लिए मेरे बच्चों एक माउंटेन बना देते हैं. रिएक्टेंट से लेके माउंटेन के टॉप तक आपने एक एरो लगाना है. मैंने आपको कल भी बताया था कि आपने कभी भी दो एरो नहीं लगाने, यानी डोंट डू लाइक दैट, कि इस तरीके से इधर भी एरो लगा दो और उधर भी एरो लगा दो. इस तरह आप लोगों ने कभी नहीं करना. यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द रिएक्टेंट से स्टार्ट करना है और ये माउंटेन के टॉप तक आपने एक एरो लगा देना है. दिस वन इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी. एंड यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू कि एक्टिवेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन. और जब किसी चीज में कोई कैटलिस्ट डालते हैं तो वो कैटलिस्ट जो है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है. यानी पहले एक्टिवेशन एनर्जी आपको इतनी चाहिए थी, अब कम चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी. सो दिस वन इज द एक्टिवेशन एनर्जी बाय यूजिंग अ कैटलिस्ट. And this one is the activation energy without catalyst. ये without catalyst है जी. ठीक है जी. और उसके बाद कल भी मैंने आपको बताया था कि reactant से शुरू होके product तक का जो distance होता है that is enthalpy change delta H. ठीक है, इसको delta H से show करते हैं और इसकी value positive होती है. ठीक है जी, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जो है वो increase कर रहा है. तो यहाँ पे आप दो बातें याद रखें कि जो आपके exothermic reaction था, exothermic, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी वो तो पॉजिटिव होती है, उसकी एंथैल्पी चेंज वो नेगेटिव होती है. और अगर कैटलिस्ट यूज करें तो कैटलिस्ट जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोवर कर देगा, कम कर देगा, लेकिन एंथैल्पी चेंज पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, नो इफेक्ट. ठीक है जी. तो कीप रिमेंबर दिस थिंग. अगर आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है अब, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज अगेन पॉजिटिव, क्योंकि ये ऊपर की तरफ देखें इंक्रीज कर रही है ये. ठीक है. और एंथैल्पी चेंज दैट इज आल्सो पॉजिटिव. और अगर आप लोग कैटलिस्ट यूज करते हो मेरे बच्चों, तो कैटलिस्ट जो होता है
वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोवर कर देता है, यानी कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देगा, जबकि कैटलिस्ट जो है वो इंथोल्पी चेंज पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, नो इफेक्ट ऑन इंथोल्पी चेंज। यू गॉट इट? यस सर। इंथोल्पी चेंज कौन सी होती है जी बेटे? इंथोल्पी चेंज कौन सी होती है? इंथोल्पी चेंज रिएक्टेंट से लेके बेटे प्रोडक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको इंथोल्पी चेंज कहते हैं। कल भी बताया था सुफियान, इसको हीट चेंज भी कहते हैं, डेल्टा एच को हीट चेंज, या इसको एनर्जी चेंज भी कहते हैं, ठीक है जी, या इसको हम लोग जो है वो एंथोल्पी चेंज का भी नाम देते हैं, एंथोल्पी चेंज। तो ये सारे इसी के नाम है यार तीनों, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर आपके पास पेपर में कोई इक्वेशन लिखी हुई है और उसकी डेल्टा एच उसने आपको गिवन की हुई है और वो कहता है कि इस रिएक्शन के लिहाज से जो है वो इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाओ, तो मेरे बच्चों आपने क्या करना होता है कि ये डेल्टा एच पॉजिटिव का साइन देख के आपको पता चल जाएगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपने जब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनानी है तो रिएक्टेंट नीचे बनाने हैं, प्रोडक्ट ऊपर, और इन दोनों को इस तरह पहाड़ से ज्वाइन कर दो। उसके बाद रिएक्टेंट्स लिख दो यहाँ पे प्रोडक्ट्स, और रिएक्टेंट्स के नाम भी लिखो, रिएक्टेंट का नाम अमोनियम क्लोराइड और प्रोडक्ट्स के नाम भी यहाँ पे लिखो ये, और डेल्टा एच की जो वैल्यू दी हुई है पॉजिटिव 58 किलो जॉल पर मोल, ये भी यहाँ पे लिखो साथ। तो ये चीजें आप स्पेसिफाई करेंगे तो तब जाके आपका जो है वो ये कम्प्लीट होगा। यू गॉट इट? यस सर।